क्रिकेट की दुनिया ऐसी है जिसमें रोज नए नए रिकॉर्ड्स बनते हैं और रोज पुराने रिकॉर्ड्स टूटते हैं। रोमांच इस दुनिया का ऐसा होता है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इससे जुड़े ना हो। इसका सुरूर ऐसा होता है जो हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है, और इसी बीच में कोई क्रिकेटर अपनी उच्च परफॉर्मेंस से अलग कुछ और ज्यादा बेहतर कर जाता है तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। अभी तो क्रिकेट जगत में एक जो नाम छाया हुआ है वो नाम है रखीम कॉनवेल का, जिनको लेकर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस नाम से बुलाएं। वजनदार कहें, धुआंधार कहें, कहर कहें या कुछ और, उन्होंने जो परफॉर्म किया है वो किसी की भी कल्पना से परे है। उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिस पर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा, लगता ही नहीं कि अब भविष्य में ऐसा कोई कीर्तिमान हासिल भी कर पाएगा। आपको लगेगा कि हम क्रिकेट को जानते हुए भी इस खेल को लेकर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। हमारी ऐसे बात करने के पीछे एक बड़ी वजह है, आप भी वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जिस रखीम कॉनवेल का हम जिक्र कर रहे हैं, यह अचंभित कर देने वाला कारनामा उन्होंने ही करके दिखाया है। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी रखीम कॉनवेल ने T20 मैच में दोहरा शतक जड़ दिया है। जी क्यों चकरा गया ना दिमाग, हो गई ना सिटी पिटी गुम। T20 मैच में दोहरा शतक। अमेरिका में चल रही अटलांटा ओपन T20 लीग में रखीम कॉनवेल ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने मात्र 77 बॉल में 205 रनों की पारी खेली, जिसमें 22 छक्के और 17 चौके शामिल रहे। अपनी पारी के दौरान रखीम ने 266.77 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। रखीम की इस दमदार पारी के दम पर उनकी टीम अटलांटा ओपन ने 20 ओवर में सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 326 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में स्क्वायर ड्राइव टीम इस मैच को 172 रनों से हार गई। हालांकि ये कोई आधिकारिक T20 लीग नहीं है, इसलिए इसे T20 क्रिकेट के रिकॉर्ड में गिना तो नहीं जाएगा, लेकिन इस पारी को कोई भूल नहीं पाएगा, इस पारी को हमेशा याद रखा जाएगा। अगर T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी की बात करें तो ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज है, जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में 175 रनों की पारी खेली थी। गेल ने RCB के लिए 2013 में ये पारी खेली थी, जिसमें 17 छक्के और 13 चौके शामिल थे। वहीं रखीम की बात करें तो रखीम को इस वक्त सबसे वजनी क्रिकेटर माना जाता है। रखीम का अपना वजन 140 किलो है। कॉनवेल के डेब्यू मैच में उनके वजन की वजह से उन्होंने अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। कैरेबियन प्रीमियर लीग में तूफानी प्रदर्शन के बाद उन्होंने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। रखीम ने अपने करियर में अब तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 238 रन देकर 34 विकेट लिए हैं। अटलांटा ओपन ने 20 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 326 रन बनाए। कॉनवेल के अलावा स्टीवन टेलर ने 18 गेंदों में 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 53 रन बनाए। सामी असलम ने 29 गेंदों में 53 रन बनाए। फिलहाल आप हमें रखीम की परफॉर्मेंस पर अपने विचार बताएं। हमें बताएं कि इस तेज रफ्तार क्रिकेटर को आप क्या नाम देंगे। आप इसे कहर कहेंगे, बवाल कहेंगे, धुरंधर कहेंगे या कुछ और, क्या नाम देंगे आप रखीम कॉनवेल को? उनकी इस धुआंधार परफॉर्मेंस के बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।